जलालपुर के हरपुर शिवालय में आयोजित मातृ शक्ति सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे निवर्तमान एमएलसी ई सच्चिदानंद राय ने महिलाओं के सम्मान के अनेकों बातें कही। इस दौरान नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार से पंचायती चुनाव में ज्यादातर महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अब सभी बैठकों एवं कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति, पिता या पुत्र नहीं बल्कि महिला जनप्रतिनिधि खुद उपस्थित रहेंगी और अपने दायित्वों का वो खुद निर्वहन करेंगी, जिससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और महिला सशक्त होगी। इस दौरान श्री राय ने नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। छपरा ब्यूरो की रिपोर्ट। जो अधिकार सरकार ने दिया है आधी आबादी को, जो अधिकार दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको इस बार सुनिश्चित करने की तैयारी। क्योंकि सरकार ने अधिकार दे दिया, परिवारों ने उस अधिकार में अतिक्रमण किया रखा था। अब यह है कि परिवार के लोग मातृशक्ति के सहयोगी बने और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि उनको दिया हुआ अधिकार जो है वो अतिक्रमण करके अपने पास ही रखे रहे। 20 वर्षों से तो रखे हैं, अब धीरे धीरे कोशिश ये है कि उनके हाथ से निकले और जाकर जिसको चुना गया है, जिसको जिस प्रतिनिधि को चुना गया है, जिसको लड़ने के लिए सरकार ने अधिकार दिया है और जनता ने चुना है, उसके माध्यम से कार्यों का निष्पादन हो, यही सरकार की मंशा है। और दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।